No. Well, by the end of the idea, move your room again, move. Uff, ya Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya Allah, bahut thak gaya bhaiya main. Itna thak gaya ek to raste mein na. 2 ghante hamari gaadi ko roka rot ka kaam ho raha hai. Ek to aapki na kismat, bas chhodo, main kya bataun kaka. हर दफ्तर में गया आपकी नौकरी के हवाले से ना, कोई मिनिस्टर मौजूद नहीं था, वो सारे पिकनिक के लिए गए थे, काम नहीं हुआ। मुझे भूख लगी है। भूख लगी है? मुझे खाओ, भूख लगी है तो देखो मैं क्या करूं। अभी जो थोड़ा पैसा लेके गया था, इधर गया टैक्सी करके, उधर गया, फिर किराया देखो, इतना तेल सस्ता हुआ है, वही किराया लेते हैं यार, इंसाफ ही नहीं है इधर। फिर 70 रुपए बच गए, सर में दर्द हुआ तो चाय कप पीने के लिए गया, गरम पानी पिलाए, फिर उसका भी 50 रुपया, एक पैसा कम नहीं किया। मैंने पूछा तो 3-4 बंदे मारने आए थे, ये क्या इंसाफ है। 20 रुपए बच गए हैं, इनका कुछ लाओ तो दोनों खाएंगे, ये लो। केक तुम्हारा दादा लेता है 20 रुपए का, खरगोशा भी नहीं आता है। आप ऐसा करो ना, एक रोटी लाओ, तंदूर की रोटी सस्ती हो गई है, वो दोनों भाई खाएंगे, जाओ। लाया तकलीफ माफ करो, मैं थक गया था इसलिए आपको भेजा बड़े भैया। नहीं, बड़ी नहीं। यार 20 रुपए की इतनी छोटी रोटी, या अल्लाह तौबा, क्या तरीका है यार ये, आटा इतना सस्ता हुआ है, रोटी की हालत देखो। ये क्या देखा है भाई, मैं ये देखता हूँ, देखो 20 रुपए के ये रोटी लेके आए हो, इतनी पतली, टिश्यू से भी ज्यादा। आटा इतना सस्ता हुआ है, रोटी की हालत देखो यार, क्या इंसाफ है यार मुल्क में यार। बस सब कुछ नजर आता है, देखो इतनी पतली रोटी 20 रुपए का, देखो किस तरह पेट भरेगा हमारा। कैसे खाए यार 2 बंदे ये रोटी, आप तो एक वैसे भी आप ज्यादा खाते हो, क्या करें, अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे दे बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या ले बड़ा भाई, क्या ले छोटू? ठीक ठाक भाई, बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठो। क्या हाथ में लेके बैठे, खाओ ना। क्या खाए, किसको खाए, पूरे 20 रुपए दिया था, ये रोटी लेके आया है ये बड़ा भैया, देखो इतनी पतली रोटी, आटा इतना सस्ता हुआ है, देखो ये रोटी। हाँ ना, देखो ऊपर देखो, ये तवे में बनाते यार, तंदूर से लाया है भाईजान, तंदूर से। ये तो पूरा यार सितारे भी नजर आता है, सूरज देखो, सितारे, आसमान, ये देखो ना, ये तो जाली की तरह लाया है यार, देखो किस तरह 2 बंदे ये खा के पेट भरेंगे। ये पतला नहीं बनाया है, पतला क्या, कुछ भी नहीं है ना, ये आटा इतना सस्ता हुआ है, फिर भी तंदूर की रोटी का हाल देखो। ये तो टिश्यू बनाया है ना, टिश्यू, तो क्या करे, बस इंसाफ नहीं है। अरे भाईजान, बात सुनो, तंग नहीं हो जाओ, बात सुनो, क्यों रोते हो बताओ, बात तो सुनो ना। आप ऐसा करो ना, जी जी, अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में जो इशू है ना रोटी का, ये तुम्हारा इधर ही इशू नहीं है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान का इशू है, पाकिस्तान का इशू है, ये पूरा उसमें है, आपको पता है ना, पूरा जिलों में इशू है रोटी का। ये सारा अजाब फिर हम जैसे गरीबों के लिए है ना। ये मेरे बात सुनो, मेरे भाईजान बात सुनो, बड़ा भाई छोटा भाई बात सुनो, आप ना आप बेफिक्र बैठो, क्योंकि आपको पता है गिलगित में हमारा डीसी साहब, हमारा एसपी साहब, हमारा एसी साहब, हमारा तहसीलदार साहब
और हमारा बल्दिया का मुलाजिम जबरदस्त किस्म का वहाँ आए हैं। आपको पता है वहाँ ना ऐसा सीधा किया है ना तंदूर वालों को, जिंदाबाद तंदूर वालों ने ना वहाँ हड़ताल किया था, इतना दबाया है यही रोटी की वजह से वजन बहुत कम किया है। उसके बाद बात सुनो, हमारा गेजर में हमारा डीसी साहब, हमारा एसी साहब, हमारा तहसीलदार साहब और हमारा गेजर में हमारा बल्दिया का हमारा जो मैनेजमेंट नहीं है वो हम मैनेजमेंट जो कर रहे हैं जो वो अफसर जितने हैं वो इतना अच्छे हैं, हर रोज छापे मारते हैं। ये एक रोटी का मसला नहीं है, कसाई वालों के पास जाओ जनाब, सब्जी का दुकान में जाओ, थोक का दुकान में जाओ, हर जगह में मसला है। लेकिन अभी ना हमारा जो एसी साहब है ना जी, एसी डीसी तहसीलदार, मैं तो कह रहा हूँ ये रोटी लेके ना अभी ही तहसीलदार के पास जाओ या एसी के पास। तो मैंने भी ये सुना था, ये जो हमारी जिली इंतजामिया की बहुत जबरदस्त टीम आई है बल्दिया के साथ, एसी डीसी एसपी तहसीलदार साहिबान जी, तो ये एक्शन करेंगे तो ये आसमान नजर नहीं आएगा ना इस तरह की रोटी का। आप अभी ही जाओ, ये भाई को भी साथ लेके जाओ, सीधा तहसीलदार या साहिबा आया है जी, तहसीलदार आया है जी जी, वहाँ जाओ फौरन दिखाओ रोटी, जबरदस्त मशवरा नहीं दे रहा है काका ये भाई, जाओ मैं भी चलो एसी के एसी साहब या तहसीलदार साहब के पास जाके आज ही ये दिखाते हैं। चलो चलो मैं भी आता हूँ, चलो 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 मैं भी आपके साथ हूँ, चलो चलते आ जाओ।